पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हायर एनपीए देख लेते हैं। सबसे पहले एनपीए की डेफिनेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कोई भी ऐसा ऋण जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए ओवरड्यू हो जाता है उसे भारतीय रिजर्व बैंक एनपीए के रूप में परिभाषित करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लोन, बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मॉर्गेजेज, वाणिज्यिक ऋण और क्रेडिट कार्ड आदि शामिल हो सकते हैं। आपने ये न्यूज हाल ही के दिनों में देखी होंगी। एक तरफ जहां इंडिया में बैंक्स का ग्रॉस एनपीए 7 साल के लो 5% पर और नेट एनपीए डिकेड के लो पर है, वहीं कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इससे ऊपर एनपीए लेकर काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनपीए, पीएनबी 9.76, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.85, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.36, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.19, यूनियन बैंक 7.93 और बैंक ऑफ इंडिया 7.66%। अभी इसी क्रम में देखते हैं नेट एनपीए, पीएनबी 3.30, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.09, पंजाब एंड सिंध बैंक 2.02, इंडियन ओवरसीज बैंक 2.43, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.14, बैंक ऑफ इंडिया 1.61%। अगले पार्ट में क्वार्टरली इनमें हो रहे सुधार के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।